ये विशेष सूचना जो भी भाई जो एक रखे हुए गिर पाए करके आप हटा देंगे, अन्यथा हमारे कमेटी मेंबर जाएंगे तो वो भाई को सारा चीज हटा दिया जाएगा। आप अपने से हटा दें अन्यथा हम सब जाएंगे। सूरज जी एक दोस्त जो कैमरा मैन का प्रकार से हमारे यहाँ आए हुए हैं, उन्हें भी इसे कमेटी परिवार में स्वागत करते हैं। उन्होंने तो स्वागत है कि वो कहीं चले गए थे। अरे विशेष सूचना जो भी देशी या विदेशी शराब लाए हुए कृपया करके आप बंद करके घर को चले जाए, अन्यथा अगर हम पकड़ लिए तो आपका सारा सामान जब्त कर लिया जाएगा। गिलास सोचे बोतल जो भी है सारा चीज जब्त कर लिया जाएगा, उनके साथ साथ आपको ₹1000 दंडित किया जाएगा। इसलिए आशा करते हैं आप ये चीज यहाँ पर बेचना पाबंदी है, इसलिए आप ये नहीं बेच सकते हैं। तो सूरज जी आप कृपया करके मंच के पास आएंगे, क्योंकि कम से कम आज की क्यों ना हो आज के लिए कम से कम थोड़ा मुझे सहयोग करें। और हम चाहेंगे कि इस क्षेत्र में आपकी आवाज सुनने के लिए बेताब है, इसीलिए हम आशा करते हैं सूरज जी आप कुछ फन के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे। सूरज बोलिए, हमसे भी पहले कमेंट्री दुनिया में छाप छोड़ने वालों में से एक सूरज बुड़ियुली, आप कृपया करके आप आएंगे। हम चाहते हैं कि अनु भाई को आप भी सपोर्ट करें, स्वागत रहेगा। और मैं आशा करूंगा कि अगले बार इस टूर्नामेंट में मैं माइक्रोफोन ना पकड़ूं, इस कमेटी के कार्य को संभालूं और आप दोनों का जिम्मेवार रहेगा। कुछ ना कुछ हो आप त्रुटि रही, मैं भी क्षमा चाहूंगा। मैं तो कहता हूं लेकिन हम दोनों एक भाई का सपोर्ट किया और आज एक भाई आए हुए हैं। धन्यवाद मेरे कमेटी परिवार में, आप लोगों को स्वागत है। सूरज भाई अगले आवाज अनु भाई एंड सूरज भाई के रूप में ये टूर्नामेंट का आप आपको देखा बताएंगे। जो पीली कलर के जर्सी में खेल रहे हैं वो टीम है लक्ष्मी लक्ष्मी, जो व्हाइट एंड ब्लैक कलर के जर्सी में खेल रहे हैं वो टीम है टीम एन टी विशेष सूचना है। गेट के सामने जो पासर बाई खड़ी है उसके वाहन मालिक से अनुरोध है कि आप वहां से बाइक को हटा देंगे। वाहन का नंबर है OR09F8314 और ध्यान देंगे बाइक संख्या OR09F8314। आप अपना बाइक को वहां से कृपया करके हटा लेंगे, क्योंकि वहां पे आने जाने की जगह है, गेट के सामने है, तो निश्चित रूप से बहुत सारा पार्किंग का जगह है वहां पे। आप पार्क करके निश्चित रूप से मैच का आनंद लें। और स्पीच चलिए मैदान के बीचों बीच में चलते हैं सूरज जी, और मैच के लिए लक्ष्मी लक्ष्मी वर्सेस NTCFC बी के बीच में। और सूरज जी आपका बहुत बहुत स्वागत है और बेहतरीन टूर्नामेंट NYC पटियाला की ओर से यहाँ पे आप देर आए दुरुस्त आए। हम आपके बहुत बड़े फैन हैं कमेंट्री दुनिया के, आप और आपके आवाज सुनने के लिए यहाँ पे बहुत सारे दर्शक बेताब होंगे। तो चलिए देर न करते हुए आपको हम स्वागत करते हैं NYC पटियाला के इस ग्राउंड में 2022 की प्रतियोगिता में। सूरज जी आइए, धन्यवाद अस्मिता मित्र अनु जी, और साथ साथ में धन्यवाद देना चाहूंगा, शुक्रिया करना चाहूंगा NYC क्योंकि सरपोस और बजाज संघ के जो कमेटी के सभी मेंबरगण और टीके नायक जी को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा, जो कि उसे टूर्नामेंट में मुझे कमेंट करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये मेरे लिए बहुत ही खुशनसीब की बात है। तो सबसे पहले मैं तमाम खिलाड़ियों को शुक्रिया करना चाहूंगा इस टूर्नामेंट में अपना अच्छा करके हिस्सा लेने के लिए, जिस प्रकार से लगातार सुरक्षित रूप से आप सबके बीच में आपको देखा हाल सुनाने के लिए जो मौजूद रहे एक जाने माने कमेंटेटर जो कि उद्घोषक के तौर पर मिस्टर अनु घोष जी जो कि जलिया से शुरू करते हैं, और साथ ही साथ इस अनुष्ठान के काफी बड़े सदस्य कहो तो गलत नहीं होगा, जो कि मेरे बड़े भाई अजीत दोस्त मिस्टर टीके नायक जी को भी मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूंगा।
तो चलते हैं बाकी बातों में हम जुड़ना चाहेंगे नादान की ओर जो कि एक शानदार मुकाबला चलता हुआ महिला वर्ग में से और इस मैच का लुत्फ उठाने के लिए काफी संख्या में हमारे ग्रामीण क्षेत्र के दर्शक उपस्थित हैं। खेल का आगमन देखते हुए पहला हाफ का मुकाबला चलता हुआ पीले कलर के जोशी पर लक्ष्मी लक्ष्मी इस बीच थ्रो इन का ऑप्शन इस बार पाइप को उन्होंने इस्तेमाल करना चाहा सेंटर रिम के मिस्टर गुलशन कुमार जी ने अपने अंदाज में सिग्नल क्योंकि बोल जा चुकी है टच आउट साहब असिस्टेंट रेफरी ए आर पर जो कि गुजरात के राजी उन्हें सहायता प्रदान करते हुए यहाँ पर जिस प्रकार की जो मैच जारी है लगातार अनुभव से आप सबों को जो आपने हाफ जो लाइव विकसित जो होती है और हमारे लोकल क्षेत्र में बहुत ही कॉमन हो गई है। जब तक कमेंट्री ना हो तो मैच में कुछ रौनक नहीं आती है और इस बार अगर देखा जाए कभी है यहाँ पर गोल कर रहे हैं कि अभी तक फिराक में यहाँ पर दर्शक भी चाहेंगे मुद्दा जो कि मैच में अगर गोल आ रहा है तो मैच की जो रणनीति होती है जो कि खेल की जो शैली होती है मैच प्रभावकारी पड़ सकती है। और फुटबॉल खेल में गोल एक ऐसा चीज है जो कि हर कोई देखना चाहते हैं हर किसी के जुबान में होती है इस बीच में गोल आएगी कब गोल आएगी खिलाड़ी भी भरसक प्रयास करते हैं गोल करने का लेकिन कहीं ना कहीं उसके लिए आपको सही और बॉल को कैच करने के बाद शानदार शॉट ट्राई टू एडजस्ट बट टेक के लिए इस बीच बॉल को अपने पैरों तले नियंत्रण करने के प्रयास लेकिन यहां पर ओपनिंग टीम के डिफेंडर ने बॉल को रिलीज किया सेंटर फॉरवर्ड के लिए फॉरवर्ड के खिलाड़ी ने बैक फुट का इस्तेमाल किया लेफ्ट विंगर के लिए लेकिन बॉल तक पहुंचने से पहले बॉल धीरे धीरे वो जा चुकी है। टूर्नामेंट की जो रौनक है धीरे धीरे बढ़ती जा रही है चारों तरफ दर्शकों का हुजूम बढ़ता जा रहा है। जिस प्रकार का मौसम था सुना हमें लगता था कि आज सारे लोग घर में रुक के बैठे रहेंगे लेकिन थोड़ी थोड़ी मौसम भी खुलती नजर आ रही है जिसकी वजह से यहाँ पे दर्शकों का हुजूम भी बढ़ता आ रहा है। उम्मीद करते हैं और थोड़ी देर में पूरी चारों ओर मैदान पूरे दर्शकों से भर जाए। आप दो खिलाड़ियों ने यहाँ पर एक खिलाड़ी पर दबाव बनाया एक अच्छे सूट जो कि यहाँ पर डिसीजन देते हुए चल रहे थे यह एक अनुभवी रेफरी हैं गुलशन कुमार को निश्चित रूप से इस प्रकार की टेकल निश्चित रूप से फाउल के रूप में संकेत देंगे और बीच यहाँ पे छह नंबर के खिलाड़ी द्वारा लेफ्ट फील्ड शॉट रिलीज किया गया था। इसके बाद पर लगातार स्लिप करने के लिए बुलाए साहब छह नंबर के खिलाड़ी और इस बीच लंबा उछाला यहाँ पर थ्रू बॉल डालने का प्रयास सात नंबर के साथ लग रहा है सुंदर चकमा देने के बाद अपने साथी खिलाड़ी के लिए निकाला यहाँ पर मौका बन सकता है इस बीच अच्छा मूवमेंट बनाने का प्रयास करते इस बीच दोनों ही टीम की ओर से इस बीच में तक ऐसा मौका नहीं बना है जहाँ पे गोल होने की पूरी संभावना दिख रही है लेकिन इस बीच एटीसीएफसी बी की ओर से यहाँ पर पहला ऐसा अवसर था जिसमें उनके पास मौका बन सकता था लेकिन यहाँ पर इस बीच उसे मौका भी कमाते हुए कि एनटीसी भी आपसे बार बार अनुरोध किया जा रहा है आप अपने खिलाड़ियों को हमारे बहुत ऑफिशियल किस्म में लाइन अप करेंगे क्योंकि ये मैच का अंतिम क्षण की ओर अग्रसर होता हुआ द्वितीय आपका मैच चलता हुआ तो निश्चित रूप से अरे गवर्नमेंट ना आ पाए थे रेगुलर एमसी थे दवा जो एमसी पाए थे बड़ी टीम मेंबर को अगर अपना खिलाड़ी को सजा सपा के लिए बहुत ऑफिशियल का लाइन अप कर रहे हैं। अभी तक मुझे सुबह 8 बजे से जस्ट बढ़ चले गए थे पास
अच्छे नंबर खिलाड़ी मेनू ग्लैंड चेक के बाद भी तलीगा जरा पाता है जुडू को बाप होता ओके मई दो टीम को आवेंट है शानदार पास लेगा काटते जिस नंबर 8 लगे 8 नंबर खिलाड़ी बोल काटते दबा तो कोशिश है कि ने मैं तो बड़ी के काके दारो पे है अनुमति है एम बीटी की बात बोल के छोटू पाकड़ा बहुत सारा गोल लाइन के बाहर मुझे समय में मैडम कोना कीरा बाप के नाम है जो कि एम बीटी से अब फुल भाषा से जो कर दिए आधा को जो कि कोना की के उस बगे चांस पे ने गोल लगे दुखित जस्ट पर से मांग के मुंडा ने छोटे लगे सुबह सुबह तक कोना जरा बात के बेटा इतने दुलरी हागाट में से नेलम चिरा पाल को नेले सु बेहतरीन टूर्नामेंट इला तारा के नेले धोबा में एफसी नाम ड्रैगन एफसी इलेवन स्टार धोबा में अडो ड्रैगन एफसी बीच रे नेलम चिरा इन हुआ और सेमी फाइनल मैच अदास ने से नेलम चिरा ते अब खिलाड़ी को बड़ा प्रतियोगिता को में नेलम चिरा चबावा इनका के गुड़ा सारा आपने इन हुआ इनते परियम प्रयास प्योर कहते बाटी का तक शॉट लेते के जो कि पूर्णिया ने जो करते हैं हेड दर्शक रे एनबीटीसी गोल पोस्ट चिंता से बोल सको ना गोल लागत पार दादा जो करते कुछ जगह दिए अगर जो करते ना बोल लातार पे से ना तो गोल भाव का संभावना टेक है निश्चित रूप से यहाँ पर एक संभावना थी और एक मौका बन चुकी थी इस मैच में गोल करने के लिए लगभग लगभग टीम अपना मौका बना चुकी थी लेकिन यहाँ पर सटीकता निशाना नहीं रहा जिसके वजह से ये गोल करने में असफल रहे और फिनिशिंग की कमी साफ झलकती हुई नजर आ रही है और सटीकता रखते हुए निश्चित रूप से यहाँ पर गोल देखने को मिलता है बिल्कुल हमें आराम में देखा गया है चाहे पुरुष वर्ग की बात की जाए महिला वर्ग में से जब भी आप स्ट्रोक लेते हैं आप टेंटी एरिया या अपने डी पोस्ट के क्षेत्र से तो आप ये एक अंदाजा लगाना होगा जो पोस्ट पाएंगे ये उस पोस्ट पर आपको सटीक स्ट्रोक लेना होगा लेकिन मैं कहना आसान है करना कठिन इस बात दूसरे नंबर से दोनों खिलाड़ियों को बीट किया अपने दम कम से बॉल को तेजी से पास बांट की क्लोजर सेंटर सर के लिए आसपास मैच में जो मुद्दा देखना चाहिए था वो यहां पर थोड़ी सी तेज रफ्तार में देखने को मिलता है दूसरे नंबर को लंबे करके खिलाड़ी अपने आप को काबू किया सेंटर सर्किल को पार करने के बाद राइट विंगर के लिए बॉल उड़ाना चाहा परंतु वो यहां पर नियंत्रण नहीं कर पाए खराब बॉल गई है सीमा से बाहर थ्रो का अवसर प्राप्त करेंगे लक्ष्मी एंड लक्ष्मी जी हाँ आपने निश्चित रूप से कहा है जिस प्रकार का पुरुषों और अपनी गेंद बंदों और यहाँ पे सटीकता का बात का गोल कीपर गोल पोस्ट में जिस प्रकार का सुपाव आता है प्लेयर्स की ओर से उस पर हमें कुछ कहना चाहूँगा निश्चित रूप से हमारे क्षेत्र के जो भी प्लेयर्स हैं वो निश्चित रूप से पावर रखना चाहते हैं हमेशा कभी भी आप देखेंगे फुटबॉल अगर उनको मिलता है फ्री स्पेस से मिलता है या फिर कोई भी हो उनके पास आती है तो ज्यादा से ज्यादा गति लेने का प्रयास करते हैं गेंद में जिसके वजह से गति की वजह से गेंद सही टारगेट पे नहीं जाती गति की जगह उन्होंने टाइमिंग और प्लेसमेंट सही जगह करते तो निश्चित रूप से उनको ज्यादा सफलता मिलेगी बिल्कुल आपने 100% भाव से बात की है अनुपा यहाँ पर आपको जो जब भी मौका बनती है तो यही कहना चाहूंगा मौका बनती नहीं है बनाना पड़ता है और इस बीच वापस लौटते हैं सर रेफरी मिस्टर गुलशन कुमार जी के द्वारा एंड ऑफ द रेगुलेशन टाइम